हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके में। तो आज से जो है मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की रिवीजन शुरू करने वाला हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और उनके जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। और आज वो तीन टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहला है बोर्स मॉडल ऑफ एटम, उनके लिमिटेशन, ठीक है, और उनके पोस्टुलेट आगे। और उसके बाद है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या इक्वेशन। उसके बाद है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि लास्ट पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम आप सभी ने पढ़ा होगा, वो आखिरकार क्यों फेल हुआ। तो एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं आपको कि आखिरकार जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम था वो आखिरकार फेल क्यों हुआ। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि जो एटम है, ठीक है, उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस है, वो हैवीली पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, बोला था ऐसे। अब उसके अराउंड क्या करता है, न्यूक्लियस रिवॉल्व करता है, और उन्होंने क्या उसके अराउंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है। अब उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी गेन भी करता है और एनर्जी को लूज भी करता है। तो अब जब वो एनर्जी लूज करेगा, ठीक है, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो जीरो होने की वजह से जो है वो न्यूक्लियस के साथ जो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, कोलाइड कर जाएगा। तो जिसकी वजह से रदरफोर्ड का मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। अब भाई बोहर्स, ठीक है, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम आया था। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बिल्कुल सेम रदरफोर्ड की तरह ही कहा कि एटम जो है उसका स्मॉल साइज है, ठीक है, हैवीली पॉजिटिवली चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन जो है उसके अराउंड, लेकिन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट। ये बात जो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता था, रिवॉल्व करता, ठीक है, मीन्स कहीं भी वो बैठ नहीं सकता। मान लीजिए एक रूम है, ठीक है, अब उसमें जो है बहुत सारे बच्चे, तो रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि वो कहीं पर भी बैठ सकते, उस रूम में कहीं पर भी बैठ सकते। लेकिन बोहर्स ने एक ऐसी कंडीशन लगाई थी कि जो बच्चे हैं वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर ही क्या करेंगे, बैठेंगे, ठीक है, वहीं पर बैठेंगे। ऐसे नहीं बैठ सकते कि कहीं जाकर भी बैठ गए, ऐसे नहीं बैठेंगे। तो उन्होंने एक फिक्स जो कंडीशन लगाई थी। तो सबसे पहले इनका पोस्टुलेट था, ठीक है, एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल साइज। क्या बोला था इन्होंने, एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल साइज, मीन्स एटम क्या था, छोटे साइज का था, ठीक है, स्मॉल साइज, ये आ गया, एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल साइज। और क्या बोला था, हैवी पॉजिटिवली चार्ज, क्या था, हैवी पॉजिटिवली चार्ज, उसमें क्या था, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, जैसे लाइक शॉर्ट पुट आप सभी ने देखा होगा, जरूर देखा होगा, ठीक है। तो वो जो अंदर से बिल्कुल खाली नहीं होता, उस वो जो बिल्कुल भरा रहता है, तो उसकी वजह से क्या है, इन्होंने ऐसे ही कुछ एटम को समझा कि एटम जो है वो स्मॉल साइज का है और हैवी पॉजिटिवली चार्ज है। सेकेंड पॉइंट का क्या था इनका, ठीक है, ये आ गया फर्स्ट पॉइंट, और सेकेंड पॉइंट जो था वो था इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इसके अराउंड रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन किसके अराउंड रिवॉल्व करता था, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात जो है वो है फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट, न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट, फिक्स्ड सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता था, रिवॉल्व करता था। ये आ गया हमारे पास ओनली इन फिक्स सर्कुलर, ये जो बात है, ठीक है, फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट, इस बात को बिल्कुल ध्यान से नोट कीजिए, ठीक है। जो रदरफोर्ड मॉडल था उसमें उन्होंने नहीं बताया था कि वो फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करता, लेकिन बोहर्स मॉडल ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। थर्ड कंडीशन जो इनकी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, दो मार्क्स के पूछे जा चुके हैं सारे, ठीक है, तो इसलिए सारे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, बिल्कुल ध्यान से रट लीजिए इनको। थर्ड कंडीशन जो इन्होंने बताई थी कि वो थी कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल होगा, NH/2π के इक्वल होगा, होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली दो सर्कुलर ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम, उनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, हुज एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ये क्या है, हुज एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, हुज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल, ठीक है, इज होल नंबर ऑफ
एन एच डिवाइडेड बाई टू पाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन कंडीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको बिल्कुल ध्यान से नोट कीजिए। उन्होंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करेगा ओनली उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में जिसका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, जिसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो किसके किसका होल नंबर होगा, किसके, ठीक है, इसका जो होल नंबर होगा मीन्स जो एन एच डिवाइडेड बाई टू पाई है इसके होल नंबर के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एन जो है हम ले सकते होल नंबर 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा, ठीक है, ये ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर एन मान लीजिए 2 ले लिया तो 2h डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल तो क्या आ गया h डिवाइडेड बाय पाई, तो ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर जो 3/2 हम नहीं ले सकते, ठीक है, 3/2 वगैरह नहीं लेना, फ्रैक्शन वाला ओनली होल नंबर चाहिए, इसका होल चाहिए 1, 2, 3, 4 जो भी ले सकते हैं n, ठीक है, 1, 2, 3, 4 मींस होल नंबर लेना है। अब ये होगी थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन को अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। फोर्थ कंडीशन देखते हैं कि फोर्थ कंडीशन उन्होंने क्या बताई थी। तो फोर्थ कंडीशन उन्होंने बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो एनर्जी लूज और गेन कब करेगा, जब उसका जो डिफरेंस है, ठीक है, उसका जो डिफरेंस है वो इक्वल होगा 2 एनर्जी लेवल के, किसके, 2 एनर्जी लेवल के डिफरेंस के इक्वल होगा। तो उन्होंने जो फोर्थ कंडीशन बताई थी, ठीक है, वो क्या थी, फोर्थ कंडीशन क्या बताई थी उन्होंने, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी लूज करेगा और कब एनर्जी गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन एनर्जी व्हेन, ठीक है, व्हेन इट्स डिफरेंस, when its difference is equal to when its difference is equal to, ठीक है, किसके इक्वल होगा ये, इसका डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल होगा, इसका डिफरेंस जो इसके 2 एनर्जी लेवल के इक्वल होगा, when क्या बोला, when its difference is equal to 2 एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल, ठीक है, ये है क्या इसकी कंडीशन, क्या बोला इन्होंने, फोर्थ जो पोस्टुलेट था बोर का वो क्या था कि इलेक्ट्रॉन लूज और गेन एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज और गेन कब करेगा, जब जो क्या होगा उसका जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा, 2 एनर्जी लेवल के क्या होगा, इक्वल होगा, तभी जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज करेगा और तभी जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, क्या करेगा, ठीक है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को क्या करेगा, गेन करेगा। तो ये थे हमारे पास जो पोस्टुलेट ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। अब लिमिटेशन, इनकी ड्रॉबैक क्या थी, ठीक है, ये किन किन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, इनकी लिमिटेशन आखिरकार इन्होंने क्या, किन किन चीजों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो सबसे पहले है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये जो थे हाइड्रोजन के लिए ओनली स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर पाए थे, जो मल्टी इलेक्ट्रॉन मीन जिस एटम में क्या होते हैं ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके लिए स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो क्या है, फर्स्ट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, ठीक है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा जो भी लिख सकते हैं, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, ठीक है, इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए जो है ये स्पेक्ट्रम को क्या नहीं कर पाए थे, एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए जो है ये स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। और सेकेंड क्या था, सेकेंड हमारे पास क्या था, ठीक है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ लाइन, जो लाइन की स्प्लिटिंग हो रही थी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो लाइन की स्प्लिटिंग हो रही थी, ठीक है, लाइनें बिखर रही थी, उनको जो है बोहर मॉडल क्या नहीं कर पाया था, एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ लाइन, स्प्लिटिंग ऑफ लाइन्स किसमें, लाइन्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या नहीं कर पाए थे ये एक्सप्लेन, क्या नहीं कर पाए थे एक्सप्लेन ही, क्या नहीं कर पाए थे कि जो हमारे पास लाइन की स्प्लिटिंग होती है, ठीक है, लाइन जो बिखरी हुई थी, ठीक, मींस एक ही लाइन 4, 5, 6 बार दिखती है, उसको जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो क्या हुआ ये, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में, लाइन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। थर्ड क्या है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की शेप भी नहीं बता पाए थे, ठीक है, इट
could not, it could not explain, it could not explain the shape of molecule. मीन शेप ऑफ मोलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. एक्सप्लेन द शेप ऑफ मोलिक्यूल. मोलिक्यूल की जो शेप होती है, ठीक है, मोलिक्यूल की शेप जो होती है उनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. और यहाँ पर फोर्थ पॉइंट जो है, ठीक है, लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं बता देता हूँ आपको, ये जो है प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पेपर है HPU यूनिवर्सिटी के, उनमें जो है कई बार पूछी जा चुकी है. ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट क्या था इन्होंने, फोर्थ पॉइंट जो था वो डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डुअल नेचर ऑफ मैटर जो था इनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. ठीक है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन डी ब्रोगली कंसेप्ट. ठीक है, डी ब्रोगली कंसेप्ट या हाइपोथेसिस बोल सकते हैं आप इसको. ठीक है, हाइपोथेसिस, ठीक है, हाइपोथेसिस को क्या नहीं कर पाए थे, जो डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस थे, ठीक है, उनको ये क्या नहीं कर पाए थे, एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. डी ब्रोगली जो अभी बताने वाला हूं, उन्होंने क्या कहा था, ठीक है, डी ब्रोगली ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव की तरह क्या करता है, बिहेव करता है. अब बात जो थोड़ी चेंज हो रही थी और इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो है पहले पार्टिकल की तरह बिहेव करता था, बोहर मॉडल ने बताया था, लेकिन जो डी ब्रोगली आए उन्होंने सर्च किया, ठीक है, उन्होंने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम एंड बोहर मॉडल ऑफ एटम को देखा और वहां से एक्सप्लेन किया कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो क्या किसकी तरह बिहेव करता है, पार्टिकल की तरह भी और वेव की तरह भी बिहेव करता है. लेकिन पहले उन्होंने लाइट को चेक किया था, लाइट को उन्होंने देखा था डिफ्रेक्शन पैटर्न के थ्रू. ठीक है, अब कुछ एविडेंस तो चाहिए था, ठीक है, क्योंकि अगर आपको पता है आप ही बोल दें, ठीक है, कि मैंने इसकी खोज कर ली, इसकी खोज, तो आप ऐसे ही जाकर थोड़े बोल देंगे. आपको क्या चाहिए, कुछ एविडेंस चाहिए, सबूत चाहिए, ठीक है, तभी तो आप कह सकते कि मैंने की डिस्कवरी की. उसको दिखाने के लिए कुछ प्रूफ तो चाहिए, कैसे ही दिखा देंगे, ठीक है. तो इन्होंने क्या किया, डी ब्रोगली ने इसको प्रूफ करने के लिए क्या किया, दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, एक का नाम था डिविजन और दूसरे का नाम था जर्मर. ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक लाइट को मींस क्या किया, इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जो है बीम में पास किया और मेटल फॉइल पर क्या किया उनको, क्या बोलते हैं, मेटल फॉइल पर उनको स्ट्राइक किया. ठीक है, मेटल फॉइल पर स्ट्राइक किया, तो जिसकी वजह से अब लाइट को उन्होंने पास किया, तो लाइट में आपको पता है फोटोन होते, तो वहां पर क्या बन रहा था, डिफ्रेक्शन बन रहा था. ठीक है, ऐसे में आपको पर दिखा देता हूं, ये आई थिंक आपने नोट कर लिए होंगे, बिल्कुल ध्यान से नोट कर लीजिए इनको. ठीक है, एग्जाम में मैं आपको बता चुका हूं कई बार जो इनको पूछा जा चुका है, तो आप बिल्कुल ध्यान से इनको नोट कर लीजिए. मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने उनको कैसे किया था. ठीक है, तो ये आगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहां से जो है बीम ऑफ लाइट में क्या कर रहे थे, लाइट उन्होंने पास की थी. ठीक है, अब यहां पर लगाया था निकल का क्रिस्टल. ठीक है, ये आगे, ठीक है, यहां से जो है अब जा रहे थे, तो यहां से जो था कुछ पैटर्न बन रहा था. ठीक है, डिफ्रेक्शन का पैटर्न बन रहा था, तो आपको बता देता हूँ वो कैसे कैसे बन रहा था. ठीक है, मीन्स ऐसे छोटे छोटे गोले करके ऐसे ऐसे बन रहे थे. ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ करके क्या बन रहे थे. ठीक है, ऐसे ऐसे करके क्या बन रहे थे. ठीक है, ऐसे बन रहे थे डिफ्रेक्शन. ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा था, डिफ्रेक्शन हो रहा था. ठीक है, डिफ्रेक्शन जो भी है, ठीक है, क्या हो रहा था यहाँ पर, डिफ्रेक्शन हो रहा था. क्यों, यहाँ पर जो लाइट भेजी थी इन्होंने वो किस फॉर्म में आ रही थी, वेव की फॉर्म में आ रही थी. ठीक है, सर्कुलर. तो यहीं से डी ब्रोगली ने क्या किया, डी ब्रोगली ने अपना हाइपोथेसिस दिया, जो कि उन्होंने कहा कि जो वेव होती है, ठीक है, वो क्या करती है, एज वेल एज पार्टिकल एंड क्या, लाइट जो है वो एज वेल एज पार्टिकल एंड वेव की तरह क्या करती है, बिहेव करती है. तो डी ब्रोगली की, ठीक है, इक्वेशन क्या थी, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस. ठीक है, डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस क्या थे. अब डी ब्रोगली की जो इक्वेशन है वो है हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी, या और इसको लिख सकते हैं हम, लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी इज इक्वल टू एम बी. एम बी पी क्या है, हम पर मोमेंटम है. ठीक है, पी क्या है, हम पर मोमेंटम है. तो अब इस इक्वेशन को हम ड्राइव करेंगे कि आखिरकार ये इक्वेशन कैसे आई. तो चलिए देखते हैं, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर साइड में लिख लेता हूँ, क्योंकि आप इक्वेशन को ड्राइव करने से पहले अगर जान ले तो बहुत अच्छा रहता है. ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एम बी. तो यहाँ पर सबसे पहले क्या किया हमने, इफ द फोटोन इज कंसिडर एज वेव लेना. ठीक है, इफ द फोटोन इज कंसिडर एज वेव मीन्स किसकी तरह बिहेव कर रहा है, वेव की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसकी एनर्जी होगी एंड उसकी जो एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, इज इक्वल टू एच म्यू. ठीक है, ये क्या है, इज इक्वल टू एच म्यू. म्यू जो यहां पर क्या है, फ्रीक्वेंसी. ठीक है, म्यू जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है और एच जो है वो क्या है, एच यहाँ पर लिख देता हूँ. ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पर लिख दी मैंने, और एच जो है वो है प्लैंक्स कांस्टेंट. यहाँ पर लिख देता हूँ. ठीक है, ये है म्यू. ठीक है, वी मत समझना इसको, ये क्या है, म्यू है. ठीक है, ये न्यू है. ठीक है, क्या है ये, न्यू. ठीक है, न्यू को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. और एच यहाँ पर लिख देता हूँ, एच जो है वो क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट.
इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 6.63 मल्टीप्लाई 10^-34 मीटर स्क्वेयर केजी सेकंड पर सेकंड, ठीक है। ये होती है इसकी वैल्यू, क्या होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 मल्टीप्लाई 10^-34 मीटर स्क्वेयर केजी सेकंड पर सेकंड, ठीक है। ये होती है इसकी वैल्यू। तो यहां पर क्या हुआ, जब हमने फोटोन को जो है क्या किया, कंसीडर वेव किया, तो उसकी एनर्जी क्या लिखी, एच ए इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। एच न्यू क्या है, इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी, एच प्लैंक्स कांस्टेंट। अब सेकंड है इफ फोटोन, ठीक है, फोटोन इज कंसिडर एज पार्टिकल, इज कंसिडर एज पार्टिकल, कंसिडर एज पार्टिकल की तरह कंसिडर करते हैं, पार्टिकल की तरह इसको कंसिडर किया तो उसकी एनर्जी क्या आ गई। अब फोटोन को जो है पार्टिकल की तरह कंसिडर किया तो उसकी एनर्जी क्या आई, इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, जो कि है आइंस्टाइन इक्वेशन, ठीक है, आइंस्टाइन इक्वेशन एंड मास एनर्जी रिलेशनशिप इसको बोलते हैं। यहाँ पर सी जो है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और एम जो है वो क्या है, मास ऑफ मूविंग पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन का क्या है, मास है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, दो इक्वेशन आ गई। अब कर दो कंपेयर इनको, सिंपल क्या करना है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, कंपेयरिंग इसको अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ठीक है, मे बी आपको दिख रहा हो, ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहां पर लिख देता हूं क्योंकि वहां से शायद आपको नहीं दिख रहा हो, तो इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास, हमारे पास आएगा एच न्यू, एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, ठीक है। अब आपको पता है न्यू की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास ये होता है ना, हमारे पास क्या होता है, जब क्या होता है, सी इज इक्वल टू ये होता है हमारे पास न्यू लैम्डा, ठीक है, ये न्यू एंड लैम्डा। तो यहाँ से न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, न्यू की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी सी अपॉन लैम्डा, क्या आ जाएगी, न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी अपॉन लैम्डा, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, और यहाँ पर न्यू की वैल्यू निकाली तो सी अपॉन लैम्डा, तो यहाँ पर पुट कर देंगे सिंपल न्यू की जगह, ठीक है, तो एच सी अपॉन लैम्डा यहाँ पर पुट कर दिया, यहाँ पर एम सी स्क्वेयर है, तो हमारे पास एच क्या, सॉरी, हमारे पास जो यहाँ पर लैम्डा है वो क्या आ जाएगा, एच अपॉन एम सी क्या आ जाएगा, ये है हमारे पास लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। अब यहाँ से जो है सी को रिप्लेस कर देना, सी को रिप्लेस कर देना किसकी जगह, वी की जगह, वी, सी जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है और वी जो है उसको वेलोसिटी लेना है मूविंग पार्टिकल की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एच ओवर एम वी, तो इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम बी को क्या बोलते हैं, एम बी जो है उसको बोलते हैं पी भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, पी होता है आपका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, तो यहाँ पर एम बी को आप पी भी पुट कर सकते हैं, तभी तो इसकी जगह और इसको क्या लिखा जाता है, एच अपॉन एम पी, ठीक है, ये ठीक है, ये क्या हमारे पास एम पी, ठीक है, तो एम पी पी क्या आ गया, सॉरी एम पी नहीं ओनली पी, ठीक है, क्योंकि पी जो है वो क्या होता है, एम और वी होता है, तो एच अपॉन पी भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये थे डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस, इन्होंने जो कहा था कि जो वेव है, ठीक है, जो लाइट वेव है, ठीक है, लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और किसकी तरह बिहेव करती है, वेव की तरह भी क्या करती है, बिहेव करती है। अब आए थे हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, लेकिन आपको इसकी लिमिट, सॉरी इसका सिग्निफिकेंस बता देता हूँ, ठीक है, उससे पहले डी ब्रोगली इक्वेशन का आखिरकार सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, तो ये जो है ओनली किस पर अप्लाई होगी, डी ब्रोगली इक्वेशन जो है ओनली किस पर अप्लाई है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ठीक है, मैक्रो पर नहीं है, बड़े बड़े पार्टिकलों पर अप्लाई नहीं है, ये ओनली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अप्लाई है, ठीक है। तो क्या इसकी जो है, इसकी जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, जो इसका सिग्निफिकेंस है वो क्या है, अप्लाई, ठीक है, ओनली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, क्योंकि आपको पता है जब हम मूव करते हैं, ठीक है, तो हमारे आसपास भी क्या होती है, सराउंड में वेव क्या होती है, फॉर्म होती है, लेकिन उसकी जो वेव लेंथ होती है बड़ी कम होती है, जिसकी वजह से हमें वो दिखाई नहीं देती। तो ओनली किस में अप्लाई है, इट्स अप्लाई ओनली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जैसे कि ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिट, ठीक है, फिर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एटम, इन चीज़ों में क्या है, ये है क्या है, अप्लाई कर सकते हैं हम चीज़ों में, जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, ठीक है, जैसे कि मैं ही मूव करता हूँ, आप ही मूव करते हैं, तो हमारे पास भी क्या होती है, एक वेव क्या होती है, जेनरेट होती है, लेकिन आखिरकार अब आप सोच रहे होंगे कि वो हमें क्यों नहीं दिखती, तो वो इसलिए नहीं दिखती क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो होती है बहुत ही क्या होती है, छोटी होती है, जिसकी वजह से हम उसको देख नहीं पाते, लेकिन जब बारी आती है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की, तो इनमें वेवलेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, जिसकी वजह से हम वेव को क्या करते हैं, देख पाते, ठीक है। तो ये थे डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस का फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता दिया। तो अब देखते हैं हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्या करना अब हमने, हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है,
हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने क्या कहा था, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि हम जो है साइमल्टेनियसली, ठीक है, साइमल्टेनियसली किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की जो है एक्यूरेटली, ठीक है, उसकी जो पोजीशन और उसकी वेलोसिटी जो है वो मेजर नहीं कर सकते। क्या बोला था इन्होंने कि अगर कोई भी स्मॉल पार्टिकल है, ठीक है, छोटा पार्टिकल है, तो उसकी जो हम साइमल्टेनियसली मीन्स उसी समय जो है उसी पार्टिकल की वेलोसिटी और उसी पार्टिकल की जो है वो पोजीशन जो है हम फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन मैक्रो पर जो है वो फाइंड कर सकते। तो इन्होंने क्या बोला था, इट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ, ठीक, इसको अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है, बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम या वेलोसिटी आप जो बोलना चाहे, ठीक है, मोमेंटम, पोजीशन और मोमेंटम को जो है हम साइमल्टेनियसली जो है वेलोसिटी, ठीक है, मोमेंटम को आप वेलोसिटी बोल सकते हैं, पोजीशन एंड मोमेंटम को जो है हम किसी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो उसको एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। मैक्रो पर तो हम उसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब बड़ी सी बॉडी है, ठीक है, उस पर क्या है, लाइट गिराई, तो लाइट में आपको पता है फोटोन प्रेजेंट होंगे। जब उस पर लाइट गिरी तो लाइट क्या होगी, स्कैटर्ड होगी। स्कैटर्ड होकर जब हमारी आईज में जाती है, ठीक है, रेटिना में जब जाती है, आईज में जब वो लाइट जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, हमें जो है वो कुछ महसूस हो जाता है कि हमारी आंखों में क्या हुआ, लाइट गई, मीन सेंसेशन ऑफ लाइट हो जाती है, ठीक है, सेंसेशन ऑफ लाइट मीन जब हम किसी चीज को महसूस कर पाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेंसेशन ऑफ लाइट, ठीक है, सेंसेशन ऑफ लाइट उसको बोलते हैं। तो जब हमने मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइट गिराई, ठीक है, लाइट गिराई उस पर, तो क्या हुआ, हमें महसूस हो गया, ठीक है। अब बारी आती है स्मॉल पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर जब हम क्या करेंगे, लाइट को गिराएंगे, तो आपको पता है लाइट में क्या होते हैं, फोटोन होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का जो है वो बहुत स्मॉल साइज होता है, जिसकी वजह से लाइट जब गिरेगी तो स्मॉल साइज की वजह से उसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, और अपनी एनर्जी को एग्जॉस्ट करने के लिए वो क्या होगा, अपनी पोजीशन चेंज कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से हम उसकी एक्यूरेटली पोजीशन या जो मोमेंटम या उसकी वेलोसिटी है वो फाइंड नहीं कर सकते। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने हमें बताया था। और पोजीशन एंड जो मोमेंटम का प्रोडक्ट होता है, मींस डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी का जो प्रोडक्ट होता है, वो लेस देन या इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई 4 पाई के क्या होता है, इक्वल होता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, क्या होता है, इसके लेस देन होगा या इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई 4 पाई के क्या होगा, इक्वल होगा। डेल्टा एक्स जो यहां पर पोजीशन है और जहां पर डेल्टा पी है वो क्या है, मोमेंटम है। क्या बोला था इन्होंने कि जो इनका प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, लेस देन या इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 4 पाई के क्या होगा, इक्वल होगा। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लीजिए माइक्रोस्कोप आ गया, ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, माइक्रोस्कोप से जब हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है, ये आ गया माइक्रोस्कोप, और यहां पर क्या हमने क्या गिराई, लाइट, ठीक है, लाइट गिरा दी, और यहां पर जो है फोटोन निकलते हैं, फोटोन क्या निकले, लाइट से निकले। अब जो है इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली ये है यहाँ पर थे, ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पर थे, यहाँ पर थे, और अब जाना कहाँ चाहिए थे इलेक्ट्रॉन को, इस साइड में, लेकिन गए कहाँ, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड चले गए, ठीक है, जहाँ पर एक्चुअल उनको जाना था, जो उनका टारगेट था उससे क्या हो गए, भटक गए। तो जिसकी वजह से इन्होंने क्या बोला कि जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब हम लाइट को फॉल करवाते हैं, तो वहां से जब फोटोन जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है, जिसकी वजह से हम उस माइक्रोस्कोपिक लेवल जो पार्टिकल है, ठीक है, उसका ना पोजीशन एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं और ना उसका मोमेंटम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। तो आज थे ये मैंने आपको तीन टॉपिक बता दी, इसके इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में प्रीवियस ईयर में मैं आपको बता देता हूं, एचपी यूनिवर्सिटी में कई बार पूछे जा चुके हैं, और केमिस्ट्री के जो 2 मार्क्स होते हैं आपको पता है वो 10 नंबर के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एक एक मार्क्स जो है वो केमिस्ट्री में ला पाना बहुत ही मुश्किल होता था, ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, लेक्चर आपने देख लिया, नोट्स बना लीजिए, बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए, लिमिटेशन, पोस्टुलेट और ये जो मैंने आपको डेरिवेशन बताई थोड़ी बहुत, इनको देख लीजिए, और इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आखिरकार डी ब्रोगली इक्वेशन का, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट आज का लेक्चर था, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।